तो आप में से जितने भी लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक बहुत ही बड़े बदलाव को नोटिस किया होगा। ट्विटर का लोगो अब बदल चुका है। ट्विटर के लोगो में पहले एक चिड़िया हुआ करती थी और अब एक डॉगी महाशय आ चुके हैं। जो भी लोग मोबाइल में ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं उनको ये अपडेट अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जो भी लोग मैक और विंडोज का इस्तेमाल करते हैं उनको इसके बारे में पता होगा। और जब से ये अपडेट आया है तब से काफी सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि एलन मस्क ने ट्विटर के लोगो में से चिड़िया रानी को हटा के इस डॉगी को क्यों चिपका दिया। आखिर क्या है ऐसी खास बात इस कुत्ते स्पाई में। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एलन मस्क इस कुत्ते का नाम जब रिवील करे तब की बात तब। लेकिन हम आपके लिए गूगल भाई की मदद से इस कुत्ते के बारे में थोड़ी जानकारी लेकर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो में मजा आए तो आखिरी में लाइक भी ठोकते जाइएगा। सबसे पहले तो ये एक कुत्ता नहीं बल्कि एक कुतिया है और इसका नाम है कबोसु। कबोसु 2010 में जापान में एक रेस्क्यू डॉग रह चुकी है और वो अपने मालिक अत्सुको सातो को ही साथ जापान में रहती है। एक बार उसके मालिक ने उसकी तिरछी नजर करती हुई और बनावटी स्माइल देती हुई फोटो खींचकर अपने ब्लॉग पर पोस्ट की थी। उसी दिन से ये कुतिया इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है कि अगर आज भी आप यूट्यूब पर डॉग मीम लिखकर सर्च करोगे तो आपको इसी कुतिया की वीडियोस दिखाई देंगी। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो एलन मस्क भी अपने ट्विटर पर इस डॉग से जुड़ी मीम्स को शेयर किया करते हैं। 4 अप्रैल 2023 को एलन मस्क द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर एक मीम पोस्ट की गई थी जिसमें यह कुतिया एक ट्रैफिक पुलिस को यह बता रही है कि ट्विटर का यह फोटो अब पुराना हो चुका है। इसके अलावा और एक पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन उस मैटर में हमारा चैनल इंटरफेयर नहीं करना चाहता।